Hello everyone, welcome back to my channel Sudeshna's Fashion. First of all, happy Diwali to everyone. आज मैं फिर से आप सभी के साथ एक नए वीडियो लेकर आ गई हूँ. आज इस वीडियो में मैं दिवाली 2021 का एक मेकअप लुक शेयर करूँगी. और ये जो मेकअप लुक है ये मैं बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट से इसे क्रिएट करने की कोशिश करूँगी. तो चलिए बिना बकबक किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. मेकअप शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप जब मेकअप करोगे तो उससे पहले आप एक CTM रूटीन ज़रूर फॉलो करना. CTM मीन्स क्लिंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजिंग. सो मैंने इस टाइम पे अभी क्लिंजिंग एंड टोनिंग कर लिया है. अभी बारी है मॉइस्चराइजिंग की. एंड मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर के जगह इस ममाट का एलो टर्मरिक जेल को एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज़ करूँगी एंड एज अ प्राइमर भी इसे मैं यूज़ करूँगी. उसके बाद मैं यूज़ करूँगी गुड वाइब्स का ये रोज़ हिप सीरम. तो ये सीरम लगाने से मेरा जो मेकअप फाउंडेशन है या फिर जो भी स्टेप्स है आगे मेकअप के वो बहुत ही फ्लॉलेस दिखेगा. साथ एक छोटा सा ट्रिक शेयर करने वाली हूँ. जिसको भी मेरी तरह कंसीलर यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है और जिसको भी मेरी तरह ऐसा थोड़ा सा डार्क सर्कल भी है, तो वो ये ट्रिक्स ज़रूर फॉलो करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये ट्रिक्स आपको कैसा लगा. तो ये ट्रिक्स में मैं कंसीलर की जगह एक CC या फिर BB जो भी क्रीम आपके पास अवेलेबल होगा वो क्रीम आप यूज़ करना, और बहुत ही थोड़ा सा कम अमाउंट में. तो मेरे पास ये लैक्मी 95 का CC क्रीम है, मैं इसे ही यूज़ करूँगी. और आप इसे एक ब्रश की मदद से या फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी आप इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर सकते हो. तो मैंने आपके पास दो भी अवेलेबल होगा तो मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर को प्रेफर करूँगी. अभी फ़र्क जो है आप देख ही सकते हो कि मेरा जो डार्क सर्कल्स था वो बहुत ही लाइट हो चुका है. अब इस टाइम पे आप आपका जो शेड का जो फाउंडेशन है वो यूज़ कर सकते हो. एंड मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन इन द शेड 115 फाउंडेशन.
अब मैं फाउंडेशन के बाद यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ एक ट्रांसल्यूशेंट पाउडर फ्रॉम मेबेलिन फिट मी इन द शेड आइवोरी। मेरा जो फेस है वो एकदम रेडी हो गया है मेकअप के लिए। अभी मैं शुरू करूँगी आई मेकअप, और आई मेकअप में मैं आज ये ब्लैक ड्रेस के साथ ब्लैक स्मोकी आई क्रिएट करने की कोशिश करूँगी, तो चलिए देखते हैं। आई मेकअप में पहले शुरू करेंगे अपने आईब्राउज के साथ, एंड आईब्राउ ये मेरा आईब्रो पेंसिल है फ्रॉम स्मैश बॉक्स। शुरू करूंगी मेरा आई मेकअप। सो आई मेकअप में मैं सबसे पहले जो यूज़ करूंगी वो है एक वाइट कलर। ये जो कलर है वाइट, ये अगर एक हल्का सा कोट अगर आप अपने आईज़ पे लगा लेते हो ना, तो आपका जो आई शेडो है वो पॉप अप होके ज़रूर दिखेगा। सो पहले मैं यूज़ करूंगी ये वाला वाइट आई शेडो अपने आईज़ पर। अभी मैं ये जो डार्क कलर है इससे पहले यहाँ ये ऊपर साइड में अप्लाई कर लूँगी। ऊपर साइड पे मेरा दोनों ही आईज पे डार्कर कलर अप्लाई करना हो गया है अच्छी तरीके से। अब जितना आई शेडो को ब्लेंड करोगे ना, उतनी ही अच्छी तरीके से आपका जो आई शेडो है वो अच्छा दिखेगा। अब मैं इस पैलेट से, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा पैलेट है, एंड इस पैलेट से ऐसे पड़की हेटेड विद लव पैलेट में से मैं ब्लैक जो कलर है, एंड ब्लैक एक शिमर टाइप्स का कलर है, वो दोनों कलर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा कलर है, और ये सभी कलर बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, इसीलिए ये पैलेट मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसमें से मैं अभी ये जो ब्लैक कलर है वो यूज़ करूँगी, एंड ये जो ब्लैक शिमर है इसे भी मैं अपने यू नो लिप्स पे यूज़ करूँगी।
ग्लिटर लगाने के बाद यहाँ पर मेरा एक आई एकदम कंप्लीट हो गया है और अभी मैं इस आई को भी कंप्लीट कर लूँगी। तो मेरा दोनों आँखें कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं लगा लूँगी काजल। काजल लगाने के बाद यहाँ पर मैं लगा लूँगी आई लाइनर एंड लाइनर को मैं थोड़ा सा थिन लेयर में भी अप्लाई कर लूँगी। तो आप देख ही सकते हो कि लाइनर को कितना मैंने थिन लाइन में अप्लाई किया है और अभी मैं लगा लूँगी मस्कारा एंड दिस मस्कारा फ्रॉम ब्लू हेवन। अभी आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मैं नीचे जो काजल लगाया था उसे थोड़ा सा स्प्रेड कर लूँगी ताकि आँखों का जो नीच का पोर्शन है वो भी थोड़ा सा ब्लैक दिखे। यहाँ पर कंप्लीट हो गया है मेरा आई मेकअप एंड अभी मैं अप्लाई कर लूँगी ब्लश एंड चिक्स में इस ब्लश को मैं अप्लाई कर लूँगी एंड शुगर की तरफ से है ये ब्लश। ब्लश के बाद आता है हाइलाइटर एंड हाइलाइटर को अपने चिक्स में अपने नोज़ में आपका जो आईब्राउज का सेक्शन है उसमें एंड पूरे फेस में ना थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हाइलाइटर को आप अप्लाई मत कीजिए क्योंकि वो बहुत चंकी दिखेगा। यहाँ पर आई हाइलाइटर लगाने से ना आपका जो आईज है वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। अब मैं हाइलाइटर को अपने पूरे फेस में थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई कर लूँगी एंड अपने पूरे फेस को अच्छी तरीके से रेड कर लूँगी। अब आते हैं लिपस्टिक में एंड इस ब्लैक ड्रेस के साथ मैंने एक रेड कलर का लिपस्टिक को पेयर किया है और अब देख ही सकते हो कि कितना अट्रैक्टिव लुक दे रहा है ये रेड लिपस्टिक। एंड सब कंप्लीट हो जाने के बाद मैं यहाँ पर इयररिंग्स पहन लूँगी एंड फेस को सेट करने के लिए मैं एक सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ। अब मेरा जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है एंड आप इसे दिवाली में या फिर कोई भी पार्टी में भी इसे आप लगा सकते हैं। तो अगर ये लुक आपको पसंद आए देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।